सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की एक बैठक का आज आयोजन होटल मिडनाइट पर किया गया है, जो कालिंदी विहार सोफुटा पर मौजूद है ये होटल। और आपको बता देंगे मेरे साथ में इस समय मौजूद है ब्रजमोहन सिंह धनगर, जो वार्ड 7 से जिला पंचायत है, और खास करके धनगर प्रमाण पत्र से आप जिला पंचायत बनकर आए हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की आज बैठक में आप शामिल हुए हैं, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ अपने विचार रखे हैं उस मीटिंग को लेकर, और जिले महानगर और मंडल की टीम को किस तरीके से शुभकामना दें? मैं जिले और महानगर टीम को, जैसे सर प्रथम मैं आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आप महानगर अध्यक्ष नियुक्ति किए हैं सैफर्ड इंटरनेट इंडिया सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बड़े भाई साहब इंजीनियर तेजवीर सिंह बघेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो उनको भी बहुत बहुत आभार है कि उनको भी जिला अध्यक्ष बनाया गया सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल में जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ से धनगर प्रमाण पत्र की बात हुई, यहाँ से रोजगार की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, और खास करके 9 तारीख को इसी को लेकर एक सुरसदन प्रेक्षागृह में बड़ी ताकत के साथ धनगर जुटे, इसके लिए अपील भी की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाज कितना इन चीज़ों पे पिछड़ा हुआ है? नहीं, ये बात सत्य है, हमारा समाज अभी बहुत पीछे है, ये अपनी समाज की ताकत दिखाने के लिए, जैसे हमारे माननीय प्रदेश सचिव जी ने बताया है कि धनगर समाज आगरा में पूरे में 2.5 लाख हैं, उनकी संख्या 20 से 22-25 हज़ार में ही दिखाई जाती है। तो उसी प्रकार ऐसी कोई विधानसभा नहीं है उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जिसमें हमारा समाज 20 से 25 हज़ार नहीं है, उनको बहुत कम आंका जाता है। हमारा समाज शिक्षा में भी हर विषय में बहुत पीछे है, तो राजनीतिक पार्टियों भी हमारे समाज को बहुत कम काउंट करती है, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए, उनको अपनी अहमियत दिखाने के लिए अपना इस सम्मेलन होने वाला 9 तारीख को सुरसदन में। धनगर प्रमाण पत्र को लेकर क्या कुछ एक बारीकी जानकारी लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि प्रमाण पत्र बन नहीं रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा उदाहरण है इसके लिए कि बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं? नहीं, बने जरूर, धनगढ़ हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा 1950 संविधान में भी दिया हुआ है कि धनगढ़ अनुसूचित जाति में आता है, तो उसको उसके अनुरूप हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी। हमारा समाज के लोगों से भी एक मेरा निवेदन है, अपील है कि आप धनगर जाति कॉलम में धनगर लिख करके चलें, अपने नाम के आगे धनगर लिखें, धनगर नाम से हमने आपको संबोधित करें, ये मेरा एक निवेदन है। उसी किस लकीर पे लोगों को चलना चाहिए उसी के लिए, क्योंकि बारीकियां नहीं मालूम है, टेक्निकल चीज़ें नहीं मालूम है लोगों को, किस लकीर पे? इसमें हमारा समाज थोड़ा सा पीछे रह गया है, उसी को आगे जागरूक करने के लिए सभाएँ हो रही हैं, ये संगठन का अभी बना है, हमारा संगठन के रूप से अभी काम होना शुरू हो रहा है, तो समाज को पूरी तरह से जागरूक करने के लिए ये सभाएं हो रही हैं, और इसमें समाज भी आगे आ रहा है, जो युवा है अभी समय, जो युवा समय दर अभी होता जा रहा है, उनको भी समझ में आ रही है कि धनगर लिखने हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। भगत सिंह बघेल एक पिलर माने जाते हैं आगरा में, मजबूत स्तंभ माने जाते हैं धनगर समाज के, क्या लगता है कि इनके जुड़ने से, प्रदेश अध्यक्ष बनने से कितना इस समाज को राजनीतिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, या तमाम जो समाज के लिए उत्थान की बात होती है उस स्तर पर इनसे लाभ मिलने वाला? नहीं, जैसा आपने बताया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे आगरा के माननीय भगत सिंह बघेल जी, वो अपने आप में एक मिसाल हैं, वो उनके नेतृत्व में ये संगठन चल रहा है, ये भी हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसे अभी प्रदेश का है, जिले के हैं, जैसे उन्हीं के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाई जाएंगी, अपने गठन बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से काम किया जाए, समाज को जागरूक करने के लिए गांव गांव जाकर के, घर जाकर सम्मेलन होंगे, उनको बताया जाएगा कि हमारे समाज, उनको अपने समाज को दिखाना है, आगे लाना है, जैसे राजनीतिक में हो, शिक्षा में हो, पहले करना होगा, तो जागरूक होंगे तो शायद लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति दिखा, अपने मूल अधिकारों को जानेंगे, अपनी इच्छाओं को जागेंगे, अपनी शिक्षा में आगे आएंगे कि हमें धनगर समाज के क्या क्या फायदे हैं, ये भी है। आज के समय में जो एससी का मूल जो जितना भी फायदा ले रहा है वो ओनली एससी समाज का, जाटा समाज का ले रहा है, तो ये भी हमारा धनगर समाज रहेगा, तो हमें भी उसका एक अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा मूल अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है, वो भी संवैधानिक अधिकार है जी। शुक्रिया अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट आर एन बघेल के साथ में मैं करतार सिंह बघेल,